आइए सबसे पहले हम इस बातचीत की शुरुआत तद्भव के उस अंक से करें जिसमें नामवर जी और राजेंद्र जी की एक लंबी बातचीत छपी है। उस बातचीत में मैं सबसे पहले चाहूँगा कि मैं मैनेजर पांडे जी से इस बारे में कहूँ कि वो राजेंद्र जी से बातें करें या राजेंद्र जी से पूछना चाहें कि आपने देखा कि अभी जब नामवर जी से बातचीत करते हुए उन्होंने सबसे पहले जो बातचीत की शुरुआत की, उन्होंने कहा आओ हम इस बातचीत की शुरुआत एक कन्फेशन से करें, तो नामवर जी लगभग स्तब्ध हैं वो किस कन्फेशन से, तो बाद में वो और क्लियर करते हैं राजेंद्र जी और कहते हैं कि इस कन्फेशन से कि मुझे अब भविष्य के सपने नहीं आते। भविष्य के सपने ना आने से जो व्यक्ति, जो रचनाकार इतना चिंतित हो, उस व्यक्ति और उस रचनाकार को हिंदी साहित्य और समाज डॉन कह रहा है, साहित्य का डॉन कह रहा है और अपने हमारे युग का खलनायक कह रहा है, इसमें आप राजेंद्र जी से क्या जानना चाहेंगे, आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या ये दो विरोधाभास हमारे साहित्य में घट रहे हैं? ऐसा है राजेंद्र जी, बीच में मैं यह कहना जरूर चाहूँगा कि नामवर जी से आपकी क्या बातचीत हुई वो मेरी चिंता का विषय एकदम नहीं है। प्रायः पुराने पापी पाप धोने के लिए कन्फेशन करते ही रहे हैं, ये पुरानी परंपरा है, वो बात ख़त्म हो गई। मैं तो आपसे यह जानना चाहता हूँ शुरू में कि हिंदी में, पूरी हिंदी साहित्य की दुनिया में आप तीन चार रूपों में विख्यात हैं या कुख्यात हैं। एक तो ये कि एक आप अच्छे और मशहूर कहानीकार हैं, दूसरे एक जाने माने उपन्यासकार हैं,
और तीसरे हंस पत्रिका के माध्यम से आपने स्त्री विमर्श और दलित विमर्श को हिंदी साहित्य के मंच पर बीच में लाने का काम किया है। केंद्रीय वो पहले से था, लेकिन जो स्थिति आपने अपने प्रयत्नों से बनाई वो स्थिति पहले नहीं थी। तो ये जो तीसरा रूप आपका है उसको मोटे तौर पर मैं आपको एक स्त्री विमर्श और दलित विमर्श के संयोजक और विचारक के रूप में देखता हूँ। मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये जो तीन रूप हैं आपके, उसमें से किसको आप ज़्यादा महत्वपूर्ण समझते हैं? बड़ा मुश्किल है। पहली बात तो मुझे ये जो आयोजन है, ये हम पांच छह लोग बैठे हुए हैं, इससे मुझे वो पिरंदलो के उस नाटक की याद आती है, सिक्स करेक्टर्स इन सर्च ऑफ एन ऑथर। तो यहाँ ऐसा लगता है कि चार भले संत लोग एक दुष्ट आत्मा की तलाश में कि कहाँ से उसे ढूंढा जाए। जो आपका सवाल है कि मैं अपने किस फेज को, यानी एक कथाकार का, उपन्यासकार, कहानीकार का, फिर एक ट्रांसलेटर का, फिर एक यानी इस तरह के विचारपूर्ण लेखों का, फिर संपादन का, इन सब में किसको अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? बात एक, देखो कहानी और उपन्यास, संतोष तो वहाँ होता है, वहाँ एक रचनात्मक संतोष है, लेकिन वहाँ एक अधूरापन लगता है। अधूरापन ये कि जैसे प्रेमचंद ने गोदान लिखा, होरी की व्यथा का पूरा यानी बड़ा करुणाप्रद वर्णन है, लेकिन अब होरी तो वहीं है, आज तक उसकी दशा नहीं सुधरी, उससे सीधा संवाद नहीं होता है, वो एक अपने समय का दस्तावेज या अपने समय का एक डॉक्यूमेंटेशन होकर रह जाता है कि भाई उस समय किसानों की दुर्दशा ये थी। पाठकों से आपका सीधा संवाद नहीं होता, बल्कि कहना चाहिए जो पढ़ने वाले हैं और जो समीक्षक हैं और विश्लेषक हैं उनके लिए एक कहना बहुत एक ख़राब शब्द याद आ रहा है कि जैसे उनके लिए ऑटोप्सी के लिए एक मामला और आ गया, अब वो बैठकर उसका शल्यक्रिया करेंगे कि ये हो गया, वो हो गया, इसमें ये है और इसमें वो है फलन। मुझे इससे असंतोष होता था, मैं सीधे पाठक से संवाद करना चाहता था। तो मुझे लगा कि पत्रिका में हंस के माध्यम से जो संपादकीय हैं उनसे मैं खुद उनसे संवाद कर सकता था, जो मैं लिखता था उसका तत्काल असर दिखाई देता था, रिएक्शंस दिखाई देते थे, और उसके साथ ही मैं उस विचार को अंतिम रूप नहीं देना चाहता था। मैं चाहता था कि उसका विपक्ष भी, उसका प्रतिपक्ष भी, उसका दूसरे पक्ष भी सामने आए। तो जब मैं हमने ये रखा, ये लोकतांत्रिक तरीके से जब हमने हर एक तरह के विचारकों को एक पर्टिकुलर मुद्दे पर आमंत्रित किया, तो लगा कि ये तो एक काफ़ी एक बेहतर मामला है, जीवंत मामला है, और इस तरह का हमारे जो संस्कार रहे हैं वहाँ ऐसी लोकतांत्रिकता बर्दाश्त नहीं होती है, ख़ासतौर से एकेडमिक वर्ल्ड में, वहाँ तो हर आदमी अंतिम है, दूसरे की सुनता ही नहीं। राजेंद्र जी, ऐसा है कि आपकी पूरी बात से जो दो बातें निकलती हैं उसके साथ मुझे दिक्कत लग रही है। एक तो यह है कि ये कहना आपका सही नहीं है कि हिंदी के एकेडमिक वर्ल्ड में कोई संवाद नहीं है, हिंदी की पत्रकारिता और साहित्य की दुनिया में भीषण संवाद हुए हैं, सामान्य नहीं, ऐसे हुए हैं, एक सवाल पर भाषा की अनस्थिरता के एक प्रश्न पर सारा हिंदी साहित्य जूझ पड़ा था, महावीर प्रसाद द्विवेदी और बाल मुकुंद गुप्त के बीच शब्द को लेकर तो बहुत हुए हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं सामाजिक समस्याओं की बात कर रहा हूं। सामाजिक समस्याओं पर आपसे पहले इतना ज्यादा और इतना महत्वपूर्ण लिखा गया है, ये ऐसा नहीं है जो इससे आपके काम का महत्व खत्म नहीं होता, कि पहले भी हुआ है, आपने उसको नए ढंग से किया, नए संदर्भ में किया, समकालीन समस्याओं
को सामने रखने की कोशिश की, वो एक दूसरा मामला है। मैं खाली ये कहना चाहता हूँ, दूसरी बात यह है कि मुझे इस बात से थोड़ी चिंता जरूर हुई। देखिए, मैं तो ये मानता हूँ कि ज्ञान और साहित्य की सारी यात्रा स्वाधीनता की खोज और स्वाधीनता तक पहुँचने की यात्रा होती है। वह कहानी के माध्यम से की जाती है, उपन्यास के माध्यम से की जाती है, और बहस के माध्यम से भी वही काम किया जाता है। और मैं आपके काम का जो महत्व समझता हूँ व्यक्तिगत रूप से, वो ये कि वो स्वाधीनता या स्वतंत्रता की खोज आपकी कहानियों में भी है, उपन्यासों में भी है, और साथ ही आपकी बहसों में भी है। मेरी जो मूल मान्य समझ है वो ये है कि मैं ये पहले से जानता हूँ, कहता रहा हूँ कि नई कहानी के दौर का जितने कहानीकार हैं, नई कहानी आंदोलन से जुड़े हुए, उस दौर के नहीं बल्कि उस आंदोलन से जुड़े, उसमें से एक भी अच्छा उपन्यासकार नहीं है। मैं कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, निर्मल वर्मा, मोहन राकेश, इसमें से किसी को जितना बड़ा कहानीकार मानता हूं उतना बड़ा उपन्यासकार नहीं समझता। इससे बाहर बड़े उपन्यासकार थे जैसे रेणु, जो नई कहानी के मार्जिन पर एक तरह से थे। मैं आपकी इसलिए दो बड़ी चीजों को याद करना चाहूंगा, कभी भी, आज भी और बाद में भी। एक तो एक बड़े कहानीकार के रूप में, और दूसरे जो स्त्री विमर्श और दलित विमर्श को हिंदी में एक दिशा देने का काम आपने किया। यदि बहुत लोगों का कहना यह है कि गलत दिशा दी आपने, लेकिन दिशा तो दी, ये बात अवश्य है। इसलिए मैं कम से कम दो महत्वपूर्ण पक्ष समझता हूँ। अब ये जो आप कह रहे हैं, और फिर एक और आपसे मेरी लड़ाई होगी, आप आलोचना को चीड़ फाड़ का काम ही कहे समझते हैं। आलोचना का काम खाली चीड़ फाड़ का नहीं है मित्र, आलोचना का काम ज्यादा गंभीर मामला है। आपकी कहानी या प्रेमचंद के उपन्यास का विश्लेषण कोई करता है आदमी, तो दो स्तरों पर काम कर रहा है। एक तो वह पाठकों के पास आपकी रचना को ले जाने की कोशिश कर रहा है, समझाने की कोशिश कर रहा है, और दूसरे स्वयं अपने उस रचना के बीच में और उसके पास जाने की कोशिश कर रहा है। इसलिए ऐसा नहीं है कि वो खाली चीड़ फाड़ का काम करता है। पांडे जी, पांडे जी, आपने कई बातें एक साथ उलझा दी, सब कुछ कह दिया पांडे जी ने। पहली सब कुछ कह दिया, सब कुछ कह दिया, कुछ जो मना है सो आप ही कहिए। साहित्य जो है स्वाधीनता की तलाश है। अगर मैं कहूँ कि स्वाधीनता बिना न्याय के नहीं मिल सकती, और मूलतः सारा साहित्य न्याय की पुकार है। हाँ ठीक है, सही है। इसलिए तो मैं आपकी इस बात को मना नहीं करता। शब्दों का मतभेद, ये तो भेद है। और उस तरह की जो बहसें होती रही हैं, मैं नहीं कहता कि पहले बहसें नहीं हुई हैं, एक से एक विषय को लेकर हुई हैं वो सब, लेकिन एकेडमिक बहसें के देव बिहारी थे कि बिहारी महान है, के देव महान है, के फलाना, इस तरह की जो मुझे माफ करिए निर्मला जी, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे, देव और बिहारी तक जिस तरह बात को ले आए हैं। देखिए, ये तो बात बिल्कुल अलग दिशा में जा रही है। राजेंद्र जी, जो सवाल मैनेजर पांडे ने उठाया था, मुझे लगता है आपने उसका जो जवाब दिया, वो जो आपकी रचनात्मक क्षमताएं थीं, उनका मैं कहती हूँ हंस का संपादन का दायित्व उठाने के बाद, ये सही है। ये दलित विमर्श और स्त्री विमर्श के बारे में जो उन्होंने कहा वो बिल्कुल सही है, लेकिन आप ये नहीं देखते हैं कि उसके बाद आपकी रचनात्मक क्षमताओं का, मैं जिसे कहती हूँ, क्षय हुआ। कोई उल्लेखनीय रचना आपकी, चाहे कहानी हो या उपन्यास हो, उसके बाद नहीं आई। तो क्या मुझे कभी कभी ये लगता है कि ये तर्क आपने उस रचनात्मकता के क्षय को ढांपने के लिए आपने ये तर्क बनाया है, वरना आप क्या समझते हैं कि रचनात्मक साहित्य से आप पाठक से संवाद नहीं करते। इसमें एक चीज और भी, जैसा कि उन्होंने खुद अपने वक्तव्य में इस बात को स्वीकार किया कि जो उन्हें संतोष है वो रचनात्मक उसमें मिल रहा है। हाँ, और मैं इस बात पर आ रही थी कि आपने शुरुआत यहाँ से की थी कि संतोष आपको उसमें मिल रहा है, तो क्या आप ये समझते हैं कि रचनात्मक साहित्य से मिलने वाला संतोष गैर जरूरी है या कम महत्व का है, और ये बहसें या सीधे सीधे विवादास्पद मुद्दे उठा करके, और मैं तो समझती हूँ कि एक तरह से अपने आप को लाइमलाइट में बनाए रखने की एक जो कोशिश
आपकी लगातार रही है कि कभी कभी आप सूत्र में कोई बात कहेंगे फिर आप चाहेंगे कि उसके पर विवाद हो, बहस हो, और लगातार आप एक लाइमलाइट में बने रहें। क्या ये एक एक, एक इस तरह का एक तर्क आपने बना नहीं लिया? पहले एक एक शब्द में ये बता दूं कि दुनिया का कोई ऐसा राइटर नहीं है जो लाइमलाइट में ना आना चाहता हो, इसलिए छोड़ दीजिए, इस पॉइंट को हटा दीजिए कि कौन लाइमलाइट में कौन नहीं है। नहीं, सवाल किस तरह आना चाहता है? सुनिए, जो बेशक पांडे जी ने आपने बात कही, मुझे थोड़ा सा इसमें पीछे जाना पड़ेगा। हम जिस मध्य वर्ग की कहानियां लिख रहे थे जी, और जहां हमने अपने लिहाज से एक अच्छी कहानियां लिखी थी, वहां धीरे धीरे हमें लगा कि चीज़ें डिसइंटीग्रेट हो गई, बिखर रही हैं, डिसल्यूजनमेंट है, भ्रमंग है, सब है, और हम लगभग एक ऐसी अंधी गली में अपने को पाते थे जहां आगे रास्ता नहीं दिखाई देता था, जिसका परिणाम ये हुआ कि एक वो जो अकहानी वाले लोग आ गए जिनके लिए संबंध वबंध कुछ नहीं था, पवित्रता नहीं थी, सैंक्टिटी कुछ नहीं था। वहाँ कोशिश हमने की, मैंने पर्सनली ये की, कि शायद कहानी की विधा बदलने से, फैंटेसियों में लिखने से शायद कोई रास्ता मिले, पर लगा ये कि हम जिस समय की और जिस संवेदना की और जिस पूरे एज की पैदावार थे या जिसके साथ जूझ रहे थे, उसकी अपनी सारी संभावनाएं एग्जॉस्ट कर चुकी थी, हमको रास्ता बदलना ही था। कहानियाँ वगैरह लिखना छोड़कर, अगर देखिए अभ्यास तो था, 30-40 साल से लिख रहे थे, 150 पन्ने रोज यानी हर हफ्ते घसीट सकते थे, ऐसा कुछ नहीं है, लिखा जा सकता था, लेकिन जो हम सार्थक लिखना चाहते थे वो लगा कि हम हमारे बस का नहीं है। तो हमको, मैं कहूँ ये भी एक तरह का कन्फेशन है, कन्फेशन हो कोई फर्क नहीं, और हमको फिर एक आलोचनात्मक विश्लेषणात्मक विचार लेखन की तरफ आना पड़ा। वहाँ हमें ज्यादा लगा कि शायद हम ज्यादा अपने आप राजन यादव जो कुछ कह रहे हैं उसके समर्थन में मुझे एक बहुत बड़ा उदाहरण याद पड़ रहा है। आप में से अधिकांश नहीं तो कुछ लोगों को मालूम होगा कि बंगला के रविन्द्रनाथ टैगोर के बाद बंगला कविता की धारा मोड़ने वाले जो चार कवि थे उनमें एक थे समरसेन। समरसेन बहुत अच्छी और महत्वपूर्ण कविताएं लिखते थे। 1956 में अचानक उन्होंने निर्णय किया कि कल से अब मैं कविता लिखूंगा ही नहीं, और 1956 के बाद एक कविता नहीं लिखी उन्होंने, और उसके बाद वो पत्रकारिता में आए। स्वयं समरसेन ने यह अनुभव किया कि आज की जिंदगी और भारतीय समाज की समस्याओं से अगर लड़ना है तो कविता उविता से काम नहीं चलेगा, इसलिए बाद में फ्रंटियर बाद में निकाला, और जीवन भर फ्रंटियर के माध्यम से उन्होंने एक वैचारिक लड़ाई, कठिन लड़ाई लड़ी। मैंने बंगाल में एकमात्र वो आदमी थे की क्रांतिकारी धारा का साहित्य छापते थे, उस पर बहसें छापते थे, विवाद छापते थे। इसलिए ये जो राजन जी का कहना ये है कि स्वयं उनको अपनी कहानियां बाद के दिनों में या उस दौर की सारी कहानियां लगभग सामाजिक राजनीतिक दृष्टि से अपर्याप्त लगने लगी, उनका रेलिवेंस या उनका कंटिन्यूएशन जो उन्हीं को चालू बनाए रखना आदत तो हो सकती थी लेकिन सार्थकता नहीं लगती थी, इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे उदाहरण भारत में है। मैं असल में राजन जी आपसे जो सवाल करना चाहता हूँ वो पांडे जी के जो दूसरे सवाल और पहले सवाल से असल में जुड़ा हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि आप साहित्य की भूमिका को बहुत सीमित करके देख रहे हैं शुरू में, जैसा कि आपने कहा कि वो डॉक्यूमेंटेशन का काम है, वो डॉक्यूमेंटेशन का काम नहीं है, वो मात्र अब स्वतंत्रता की तलाश भी नहीं है, वो अभिव्यक्ति भी है, वो मतलब सौंदर्य की अनुभूति भी है, वो विवेक भी है, वो ये जो सारी चीज़ें हैं जिससे जो जो बड़ी भूमिका वो निभाता है, एक तो आपने उसको सीमित कर दिया, ये मेरे ख्याल से ज़्यादा ख़तरनाक स्थिति है।
इसको मैं चाहूँगा कि आप स्पष्ट करें। और दूसरी बात जो है, मेरे ख्याल से आप ये कहना चाहते हैं पत्रकारिता को लेकर कि पत्रकारिता की जो भूमिका है वो मूलतः साहित्य के संदर्भ में सिर्फ यह है कि वो तात्कालिक रूप से तत्काल हस्तक्षेप कर सकती है, ये एक फायदा उसका है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि हम अपनी बात नहीं कह सकते या अपनी बात नहीं कह सकते। देखो पंकज जी, ऐसा है कि सौंदर्य है, है ना, संवेदना है, भावनाएं हैं, इमोशंस हैं, इन सबको कोई इनकार नहीं कर रहा। इन सब के लिए निश्चित रूप से ये सब चीज़ें अपनी अपनी अभिव्यक्ति अलग अलग तरह से तलाश करेंगी। अगर कहानी में नहीं होगा तो दूसरे रूप में आएंगी, किसी न किसी रूप में तो आएंगी। मैं कहना ये चाहता हूँ कि सिर्फ वैचारिक लेखन की ही बात मैं नहीं कर रहा, बहस ही नहीं है। हंस ने अभी यानी जो कहानियाँ निकाली हैं, अभी एक किताब आ रही थी रे माधव से, एक उन्होंने कहा कि मेरी संपादित कहानियाँ नाम से एक किताब तैयार कर दीजिए, पेज रखे 250 या 300 जो भी हैं। तो हमने हिसाब लगाया, मैंने कहा कि यार ये तो साली 5000 पेज की किताब हो जाएगी, ये तो अगर हम कहानी छांटें। तो हमने अपने लिए सीमा रखी कि 4 साल, शुरू के चार साल में लगभग 45 कहानियाँ ऐसी थी जो हमें उस संकलन में रखनी चाहिए थी, लेकिन रखी हमने 20 कुल। और आप ताज्जुब करेंगे कि आज जिन कहानियों को लगभग कालजयी कहा जाता है वो सारी कहानियाँ उसमें रखी हैं। तो ये रचनात्मकता भी को भी का भी एक तरह से हस्तक्षेप है। थोड़ा सा गर्व लग सकता है कि पिछले 20-22 साल से हिंदी की लगभग, यानी एक आध 5-7 छोड़ दीजिए तो लगभग सारी श्रेष्ठ कहानियाँ हंस में आई। तो ये आप नहीं मानते, वैचारिक बहस ही सब कुछ है। नहीं नहीं राजी जी, मैं उस पर बात करेंगे हम लोग। नहीं नहीं, मैं क्षमा चाहता हूँ, एक मिनट, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जो दो महत्वपूर्ण तत्व भूल रहे हैं साहित्य के, वह एक है नैतिकता और दूसरा है विवेक, जो अंततः इस उसी जो ये जो दो मूल्य हैं वो किसी साहित्यिक के रचना को शाश्वतता प्रदान करते हैं। अगर वो हमको वो विवेक या वो नैतिकता नहीं देते तो उसका कोई अर्थ नहीं है। और उसका जो साहित्य की जो 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 शाश्वतता है, जो या समकालीनता है पुराने की, वो मूलतः इसी से जुड़ी हुई है। तो उस संदर्भ में मुझे लगता है कि आप उसको सीमित कर रहे हैं। नैतिकता और विवेक ये आपके अपने अपनी चुनाव या अपने विवेक की बात है, यानी आप उसको प्रचारित नहीं कर सकते, उसको बाहर नहीं कर सकते। आप रचनाओं के चुनाव में, समस्याओं के चुनाव में, लेखन के चुनाव में वो अव्यक्त होती है ना, वो इस तरह के स्लोगन तो है नहीं, वो तो आपके भीतर की वो अंकुश है, वो भीतर का यानी जो नैतिक चेतना देखिए वो है, रचना, जो आपको सब गाइड करती है, वो पात्रों के माध्यम से, स्थितियों के चुनाव के माध्यम से और पूरी रचना में से एक तथ्य निकलता है। हाँ। एक संदेश, एक मैसेज होती है हर एक रचना की। ये जिस नैतिकता या विवेक की बात कर रहे हैं वो पूरी रचना के भीतर से उभर करके आता है।